नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बारूद के ढेर में त्योंतर क्षेत्र धमाके से भैंस के उड़े चिथड़े, मामले को दबाने में जुटा प्रशासन। रीवा त्योंतर क्षेत्र का तराई आंचल वर्तमान समय में बारूद के ढेर में समता चला जा रहा है, जहां बीच बीच में धमाके की आवाज सुनाई देती रहती है, जिसे हमेशा से ही स्थानीय प्रशासन द्वारा दबाया जाता रहा है। अधिकार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद तिवारी ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन को कठोरता से कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र तिवारी ने कहा कि विगत 24 मई को त्योंथर क्षेत्र के पूर्वांचल में ग्राम बारी कला में श्यामलाल पाल सहित कई ग्रामीण उस समय बाल बाल बचे, जब एक तेज धमाके में उनकी भैंस के मुंह के चिथड़े उड़ गए। वर्तमान समय में तराई अंचल क्षेत्र में जंगली जानवरों के शिकार के लिए उत्तर प्रदेश की सीमा से बारूदी सामानों का जखीरा एकत्रित किया जाता है और हथगोले सहित कई अन्य बम ब्लास्ट के लिए हथियार बनाए जाते हैं। अधिकार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद तिवारी ने बताया कि ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया है कि ग्राम बारी कला सहित कई अन्य गांवों से लोग अपनी भैंस चराने जंगल की ओर गए थे और अचानक धमाके से भगदड़ मच गई। देखने पर पता चला कि एक हथगोले को भैंस ने अपने मुंह में दबाकर खाने का प्रयास किया, जिससे उसके मुंह के चिथड़े उड़ गए। अब सवाल यह उठता है कि इस प्रकार और कितने बम धमाके के हथगोले जंगल में छुपाकर रखे गए हैं, किसी को भी नहीं मालूम। यह हादसा भैंस के साथ गए आम आदमी के साथ भी घट सकता था। राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र तिवारी ने कहा कि इस घटना से ग्रामीण दहशत में हैं, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को भी ग्रामीणों द्वारा दी गई थी, लेकिन बम धमाके के मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बजाय प्रशासन मामले को दबाने में लगा हुआ है। योगेंद्र तिवारी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जख्मी या घायल हुआ, साथ ही कोई भी घटना घटित हुई, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। वहीं दूसरी ओर पूर्वांचल विकास परिषद के अध्यक्ष श्री शिवानंद मिश्रा ने कहा कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों द्वारा शिकारियों को उत्तर प्रदेश से बारूदी सामानों की सप्लाई की जाती है और फिर जंगली जानवरों को मारने के लिए पहाड़ से लगे जंगलों में बम के हथगोले छुपाए जाते हैं, जिसकी प्रशासन को जानकारी देने के पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती, जबकि किसी भी दिन कोई अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा दबाया जाना बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। अधिकार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद तिवारी ने कहा कि इस मामले को लेकर रीवा पुलिस महानिरीक्षक श्री महान उमेश जोगा से बात कर दोषियों पर कार्यवाही करने एवं घटना की जानकारी देंगे। फिलहाल पूर्वांचल क्षेत्र में दहशत का माहौल है। त्योंथर से आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। आज वर्तमान में रीवा जिले का त्योंथर क्षेत्र, जो पूरी तरह से बारूद के ढेर पर रहे, त्योंथर क्षेत्र का तराई अंचल में पूर्वांचल, जो उत्तर प्रदेश से कुछ लोग बारूदी हथगोले बनाने के लिए बारूदी सामान लाते हैं, उनका बम बनाकर जंगली जानवरों को मारने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण कई बेजुबान जानवर मौत के गाल में समा रहे हैं। विगत 24 मई को पूर्वांचल के बारी कला गांव में श्यामलाल पाल अपने भैंसों के साथ में सैकड़ों ग्रामीणों के साथ में जंगल गए थे, जहां पर चरते चरते उनकी भैंस ने एक बम हथगोले को अपने मुंह में दबाया, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें उस भैंस के मुंह के चिथड़े उड़ गए। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि बार बार डभौरा से लेकर जवा से लेकर इधर सुहागी पहाड़ होते हुए ककराहा तक कई बार जंगली जानवरों का शिकार किया गया, कई बार बम के गोले बरामद हुए गए। प्रशासन को सूचना के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन भी इस मामले को दबाना चाहता है। स्थानीय ग्रामीणों ने अधिकार विकास पार्टी को इस बारे में जानकारी दी और आश्वासन उनको दिया गया है कि पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। माननीय जिलाध्यक्ष रीवा के माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय को भी अवगत कराया जाएगा कि विगत 24 मई को हुए ब्लास्ट की जांच कराई जाए और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह छोटा मामला नहीं है। आने वाले समय में कई ग्रामीणों की मौतें हो सकती हैं, एक बड़ी घटना घट सकती है और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बम बनाने वाले लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। अन्यथा आने वाले समय में कोई बड़ी अप्रिय घटना घटती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मैं अधिकार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से यह मांग करता हूं कि प्रशासन इस मामले को दबाना चाहता है
उच्च अधिकारी इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा त्योंखर विधानसभा में उग्र आंदोलन होगा।